मैं इन्हीं बातों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम शंकर राज्यपाल। टेलीविजन नेटवर्क संशोधन बिल पर बोलने का अवसर दिया। वेरी ब्रीफली प्लीज ट्राई बिकॉज वी हैव टू पास द बिल। वेरी ब्रीफली यू टेल। If you feel, if all of you feel, no problem. Manyavar, Manyavar, एक अच्छी बात है, कानून बने, केबल ऑपरेटरों के हित में बने, उपभोक्ताओं के हित में बने। कानून तो हम बनाते जा रहे हैं, लेकिन उसको लागू करने की मंशा जरूर साफ होनी चाहिए। सभापति महोदय, करीब 350 केबल ऑपरेटर आज उपभोक्ताओं को अपने केबलों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम दिखाते हैं। आम शिकायत है पूरे देश की कि जो चैनल दिखाए जाते हैं वह परिवार के साथ बैठकर देखना बड़ा मुश्किल होता है, और इस पर केबल ऑपरेटरों को मात्र दोष देना ठीक नहीं, बल्कि जो कार्यक्रम बनाने वाले लोग हैं, कार्यक्रम बनाकर केबल ऑपरेटरों को देते हैं, तो कार्यक्रम बनाने वाले लोगों को भी इस पर ध्यान करना होगा। भारत अपनी संस्कृति का देश है, अपनी सभ्यता का देश है, और संस्कृत और सभ्यता के साथ खिलवाड़ न हो, यह जरूर देखने की जरूरत है कि क्या हम केबल ऑपरेटरों द्वारा जो चैनल दिखाए जा रहे हैं उसको परिवार के साथ शाम का चैनल, सुबह का चैनल, कोई तो ऐसा समय हो जो परिवार के साथ भी उपभोक्ता देख सके। सभापति महोदय, एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि आज जो केबल के प्रोडक्टर हैं, केबल चलाने वाले लोगों से अगर हम लेते हैं, अपने वहाँ केबल लगवाते हैं, तो जिन भाषाओं को अमुक क्षेत्र के लोग जानते हैं उन भाषाओं को तो वो देते, लेकिन कुछ ऐसी भाषाओं को भी उनमें जोड़ देते हैं जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उनमें ऐसे कुछ केबल जोड़ देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं उस इलाके का आदमी समझता, और उसको नहीं, उस इलाके का आदमी समझता भी नहीं, लेकिन फिर भी उसको उसका पैसा काट लेते हैं और कहते हैं कि ये तो जो डिजिटल क्षेत्र में है इसमें तो ये शिकायत बहुत है। मैं, मेरे घर पर खुद केबल डिजिटल है, और मैंने देखा, पूछा कि भाई इसमें समाचार भोजपुरी का नहीं है, हिंदी भाषा का नहीं, उसमें दक्षिण भारत के सारे समाचार, तो की भाषाओं के चैनल हैं। तो जो चैनल लेना हम चाहें उसको देखने की बहुत ज़रूरत है, और सारे चैनल केवल अंग्रेजी भाषाओं को बहुत महत्व दे रहे हैं। क्या यह संपूर्ण 125 करोड़ का देश ये केवल अंग्रेजी भाषी देश है? यहाँ बहुत सी क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, लेकिन कोई भी चैनल वाला क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व नहीं देता, केवल अंग्रेजी भाषाओं को महत्व देता है, जो ये हमारे देश के सभ्यता और संस्कृति पर एक कुठाराघात है। इसको भी देखना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ, हिंदी भाषा के साथ साथ, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं इनके चैनलों में और व्यापकता की जाए। अगर कहीं से मांग किसी क्षेत्रीय भाषा की आती है तो उस इलाके में कंपल्सरी किया जाए कि वहाँ के जो केबल ऑपरेटर हों उन क्षेत्रीय भाषाओं को जरूर महत्व दें। केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम अपने देश के नौजवानों को और देश को सामग्री हम अगर देंगे प्रसारण करके, तो एक ऐसा माहौल बनेगा कि हम अपने देश की सही सभ्यता और संस्कृति को उसके पीछे नहीं ले जा पाएंगे। एक चीज और कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कि जो केबल नेटवर्क है, यह नेटवर्क केवल उपभोक्ताओं को गुमराह करने का, और तरह तरह के उसमें अगर वो 100 चैनल लेना चाहता है तो अभी उसको 350 चैनल दे देते हैं, कोई अगर 50 अपनी भाषाओं का चैनल
चाहता है चैनल तो उसको 150 दे देते हैं और पैसा 150 चैनल के हिसाब से डिजिटल केबल वाले काटते हैं। इसलिए ये जरूर देखने की जरूरत है कि अगर कोई उपभोक्ता 10 ही चैनल लेना चाहता है तो ये जो ऑपरेटर हैं जो डिजिटल है वह केवल 10 ही चैनल का पैसा काटे, वो 100-150 चैनल का पैसा ना काटे। इस बात को देखने की बहुत जरूरत है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।